क्या एक सफेद बाल निकालने से बाकी बचे दूसरे बाल भी सफेद हो जाते हैं? इसके पीछे क्या हकीकत है? सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे बाल सफेद होते क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? हमारे बाल तो काले होते हैं, इसकी क्या वजह है? हमारी बॉडी में दोस्तों एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन भी कहते हैं, और इसकी वजह से हमारे बाल जो काले दिखते हैं बहुत सारी बीमारियां हमारे मेलानिन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसकी पहली वजह दोस्तों जेनेटिक्स। अगर आपके वालदैन के टाइम से पहले सफेद बाल हो गए थे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बाल भी टाइम से पहले सफेद हो सकते हैं। अब जनाब आते हैं डाइट के ऊपर। अगर आपकी डाइट में विटामिन B12 और विटामिन डी शामिल नहीं है तो तभी आपके बाल सफेद हो सकते हैं, क्योंकि आपके मेलानिन को में बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं। और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको अगर आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि थायराइड को अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपके बाल तभी सफ़ेद हो सकते हैं। अगर आप केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो तभी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। अगर आप अल्ट्रा वायलेट शो से नहीं बचते, यानी कि सुबह 9-10 बजे की जो धूप होती है आप बहुत सेकते हैं, तो आपके तभी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपके बाल सफ़ेद होते क्यों हैं। अब मैं मेन मुद्दे के ऊपर आता हूँ। अगर आप अपना एक सफ़ेद बाल उखाड़ते हैं तो आपके मेलानिन डैमेज नहीं होता, जिसकी बदौलत आपका सिर्फ वही एक बाल जो सफ़ेद था आपने उखाड़ा था वहाँ पर वही सफ़ेद बाल निकलेगा, बाकी जो दूसरे बच्चे बाल होंगे वो काले ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करके अपनी मोहब्बतों में आप इजाफा कर सकते हैं। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।